आज मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, लेकिन इस मामले पर अब कोर्ट ने राउत को बेल दे दी है। खबर सामने आते ही राजकीय माहौल गर्मा गया है और नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि राउत एक लड़ने वाले नेता है, वह जेल जाने से नहीं डरते हैं। प्रियंका का कहना है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी में गीदड़ों की तरह भगदड़ मची हुई है और संजय राउत के पर्दाफाश करने की वजह से सरकार चाह रही है कि राउत जेल में ही रहे। साथ ही उन्होंने बदलापुर एनकाउंटर केस पर भी शिंदे सरकार की साजिश पर सवाल उठाए। आइए प्रियंका चतुर्वेदी का पूरा बयान आपको सुनाते हैं। बस एक ही चीज कहूंगी, ये राजनीतिक लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो राजनीति के चलते घबराए हुए बौखलाए हुए लोग उनको अरेस्ट करने में तुले हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संजय राउत जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी इन गीदड़ों में हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो पार्टी छोड़कर भागे थे। वो पहले भी जेल गए थे, हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी जब उनको बेल मिली थी वो जनता के सामने है। तो ये कितना भी कोशिश कर लें सच्चाई छुपेगी नहीं, ये कितना भी उनको चुप कराने की कोशिश कर लें वो चुप रहने वाले नहीं हैं, और वो जब लौट कर आएंगे वो और मजबूती से लड़ेंगे, और मैं जानती हूँ कि जनता का प्रतिसाद और जनता का समर्थन उनको और भी मिलेगा, और महाविकास अघाड़ी के साथ साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को निर्णायक भूमिका में, निर्णायक रोल में उनको विजयी बनाएगा।